आगर पुलिस पर 3 लाख रिश्वत लेने का आरोप। बीजेपी विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ एसपी ऑफिस घेरा, 2 हेड कांस्टेबल निलंबित। अगर कोतवाली थाने में पदस्थ 2 हेड कांस्टेबल पर शिकायत दर्ज करने के एवज में 3 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। इसकी जानकारी जब भाजपा विधायक मधु गहलोत को लगी तो उन्होंने समर्थकों के साथ गुरुवार रात एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया, जिसके बाद एसपी विनोद कुमार सिंह ने हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह भाटी और हेड कांस्टेबल राधेश्याम विश्वकर्मा को निलंबित कर मामले की जांच सीएसपी को सौंप दी। दरअसल एक जमीन के सौदे में विक्रय पत्र संपादित होने के बाद पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद दूसरे पक्ष ने भी शिकायती आवेदन दे दिया। केस दर्ज करने के एवज में 28 अप्रैल को दोनों हेड कांस्टेबल और 3 लाख रुपए रिश्वत दी गई। 1 मई को धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी विधायक मधु गहलोत को 16 मई को लगी। विधायक गहलोत ने कहा कि जिले की पुलिस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इस तरह की रिश्वतखोरी करने से सरकार बदनाम होती है। जो रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो सबको हिरा कर रख दूंगा, चाहे 100 गाड़ी लेकर जाना पड़े। सीएम हाउस पर धरने पर बैठूंगा। विधानसभा में ऐसे भ्रष्ट लोग नहीं चाहिए। मैं भ्रष्ट हुआ तो काट दो मेरा टिकट, मैं इस्तीफा दे दूंगा। झूठी शिकायत के खिलाफ की थी कार्रवाई की मांग। आवेदनकर्ता डॉक्टर नरेंद्र सिंह ठाकुर और गिरिराज बंसिया ने बताया कि जलारा में एजाज अहमद ने 1,75,00,000 रुपए में जमीन का सौदा किया था। उसे 52 लाख रुपए नगद दिए थे, बाकी की राशि चेक से दी, लेकिन उसने बाहर जाने की बात कही और चेक वापस कर दिया। इसके बाद हमने बची हुई राशि उसके खाते में आरटीजीएस और दलाल के माध्यम से जमा कराई। सौदे की पूरी राशि देने के बाद भी उसने झूठी शिकायत कर वकील के जरिए नोटिस भेजा और 75 लाख रुपए की मांग की, जिस पर हमने कोतवाली थाने में आवेदन दिया। यहां केस दर्ज करने के एवज में दोनों हेड कांस्टेबल ने 3 लाख की मांग की, हमने राशि भी दे दी। इसके बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया। दबाव बनाने पर 3 दिन बाद एजाज खान के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। मामले में राधेश्याम विश्वकर्मा ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई रिश्वत नहीं ली गई है। वहीं प्रधान आरक्षक नरेंद्र सिंह भाटी से संपर्क नहीं हो पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।